अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। तो आप लोगों ने देख लिया, नए चैलेंज के साथ और नए वीडियो के साथ हम लोग आपके सामने हैं। हेलो शेरियार। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। तो आप चैलेंज करने के लिए रेडी हो? बिल्कुल रेडी। तो मैंने इंस्टा स्टोरी पे एक वोट दी थी, दो चीज़ें मैंने मेंशन की थी, दो चैलेंज के, दोनों में से कौन सी चैलेंज करें। तो बहुत से लोगों ने स्टिंग चैलेंज चूज़ की थी। मैंने एक स्टिंग चैलेंज की थी और एक पेप्सी। तो बहुत से लोगों ने स्टिंग चैलेंज चूज़ की थी और आज हम लोग आपके सामने हैं, स्टिंग चैलेंज करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को मज़ा आएगा स्टिंग चैलेंज में। और ये नहीं कि कितने टाइम में करना है, बस देखते हैं कि जल्दी कौन ख़त्म करेगा। और आप लोग सोच रहे होंगे जीतने वाले को मिलेगा क्या। तो जीतने वाले को मिलेगा एक इनाम, और वो इनाम कुछ नहीं है और इनाम कुछ भी नहीं है, ये जस्ट फन के लिए हमें कंटेंट बनाना था। तो हम लोगों ने सोचा व्लॉग बना लिए हैं, बारबेक्यू वीडियो आप लोगों ने देख लिया होगा और शॉपिंग व्लॉग तो भी देख लिया होगा। तो हम लोगों ने सोचा एक चैलेंज बना ले। बहुत टाइम से चैलेंज वीडियो नहीं बनाया और आप लोग भी मिस कर रहे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैं पहले स्टिंग की बोतल खोलूंगी क्योंकि सारा टाइम इसी में चला जाएगा। और मैं स्टिंग पीती नहीं हूँ, आज मैं पता नहीं कैसे पी रही हूँ आप लोगों के बोलने पर, क्योंकि मैं चैलेंज कर रही हूँ। और हमारे पास टाइमर भी है, तो हम लोग टाइमर भी स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं होता क्या है। शेरियार क्या फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है? मैं तो सोच रहा हूँ कि हारना तो ज़रूर है, मेरे को मिर्ची खाने का शौक नहीं है लेकिन हारना पड़ेगा। देखिए मैंने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है हारने वाले को क्या होगा और जीतने वाले को, मैंने बस कहा कुछ नहीं होगा, लेट्स सी आगे देखते रहिए होता क्या है। तो हम लोग टाइमर अब स्टार्ट करने वाले हैं और अब टाइमर होता है स्टार्ट। तो अब स्टार्ट बहुत ही फर्क है, ऐसा तो नजर नहीं आ रहा, अब मैं दिखाती हूँ। मैं जीत गई और मैंने 24 सेकंड में खत्म किया है, 24 सेकंड में। पता नहीं मैंने कैसे खत्म किया, बस खत्म किया है। तो आप लोग सोच रहे होंगे मेरी क्या हो रही है, मुझे पता है मेरी क्या हालत हो रही है इस वक्त, समझ रहे हो? और मेरे को लाल मिर्ची खाने का। खैर कुछ नहीं हुआ, मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि स्टिंग चैलेंज मत करो, बहुत कुछ होगा, मैदे में असर होगा। तो यार ये जस्ट फन है, इसमें कंटेंट बनाने में कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बस आपको कंटेंट बनाना है तो कुछ भी कर सकते हो अगर आपके अंदर बहुत जद्दोजहद करने की ताकत हो तो आप कर सकते हो। शेरियार मुझे बात करने दो। तो आप लोगों ने देखा शेरियार हर चैलेंज में हार जाता है। शेरियार कब जीतोगे तुम? अरे कोई अच्छा सा मेरा दिल का कोई चैलेंज नहीं आता। अच्छा मैं तो सोच रहा हूँ आपका लाइव चैलेंज कर लो। कब जीतोगे तुम? अरे कोई अच्छा सा मेरा दिल का कोई चैलेंज नहीं आता। अच्छा मैं तो सोच रहा हूँ आपका लाइव चैलेंज कर लो, वैसे भी किंग मैं ही हूँ आइस चैलेंज का। नहीं ऐसे तो नहीं है, आइस चैलेंज में मैं भी जीत जाती हूँ क्योंकि मैं आइस बहुत खाती हूँ इसीलिए। आप उन आइस खाके तो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। आप आइस मुंह में रखो फिर आपको पता चलेगा। रख चुकी हूँ बेटा मैं।
ये गेम जो तुम लोग खेल रहे हो ना, मैं खेल चुकी हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मिर्ची ला लो भाई। मैंने बहुत पिया। अगेन स्टार्ट करते हैं शरिया? नहीं फिर से। हाँ मुझे करना है, मुझे ये फिनिश करना है, मुझे ये देखना है। आप क्यों हैं? नहीं नहीं आप क्यों हैं? देखिए कैसे हो रहा है। फिर से स्टार्ट करते हैं, आप देखते हैं कि सबर ये गलत है। देखिए अब देखते हैं मैं ये कितने टाइम में खत्म करती हूँ। अब मैं करती हूँ टाइमर को स्टार्ट। कौन है ये लोग? उठा के ले दो हॉस्पिटल। वैसे मजा आया, स्टिंग बहुत अच्छी है। लेके चलो हॉस्पिटल। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा चैलेंज पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आप लोगों को चैलेंज कैसा लगा। मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा, क्या रिएक्शन होंगे आपके, तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा। आप और बहुत भी चैलेंज बताइए, जो और कुछ चैलेंज अगर करवाना चाहते हो तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो या वीडियो के कमेंट पे बता सकते हो कि चैलेंज कौन से चैलेंज करें, कौन से आइडियाज आप लोग बता सकते हो। इसके लिए मेरा DM ओपन है आप लोगों के लिए। और बाकी फजूल मैसेजेस से गरेज करें प्लीज, क्योंकि मेरे DM फजूल मैसेजेस के लिए नहीं है, जिस काम के मैसेजेस होंगे उसके लिए मेरे DM खुला हुआ है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इंजॉय किया होगा मेरे ब्लॉग में, और इस यूट्यूब वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि मेरी हालत स्लो हो रही है स्टिंग की वजह से। हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। खैर मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। खत्म।